मसीह में प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम इस बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में जुड़ सके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम मत्ती 24वां अध्याय और 29 से 31 तक पढ़ेंगे और मनन करेंगे। मत्ती 24:29 से 31 तक। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम इन दिनों में और भी ज्यादा इन बातों को ध्यान दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही ज्यादा निकट है। वो मतलब हम कह नहीं सकते अभी किसी भी घड़ी में वो आ सकते हैं, ऐसी ऐसे फेस से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना कोई भी मतलब जानता नहीं है वो कौन सी घड़ी में आने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए हम कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए प्रभु यीशु ने ऑलरेडी पहले से ही उन चीजों के बारे में हमें बता के रखा है, ताकि हम कंफ्यूजन में ना रहे और दुनिया की जो बातें हैं इधर उधर भटकने वाली, उनमें हम भटक कर कहीं खो ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने एक पहले से ही हमें वॉर्न करके रखा है और पहले से ही हमें ध्यान देने के लिए ये बातें हमें बताई है, ताकि हम इन चीजों को होते हुए देखे तो हम घबरा ना जाए और हमें पता हो कि ये सब होना जरूरी है, ताकि जब हम इन चीजों को होते हुए देखे तो खुद को तैयार पाए। और यहाँ पर 29 में कलम में 29वीं वचन में हम देखते हैं कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, कौन से दिनों? वो जो महाक्लेश शुरू होने वाला है, उसके महा जो संकट है, महासंकट, उसका शुरुआत है उन दिनों के तुरंत बाद ये सब निशानी को दिखाया जाएगा। लेकिन ये किन दिनों की बात कर रहे हैं? जो मतलब जो क्लेश की शुरुआत है, जो जैसे कि इसी अध्याय में मत्ती 24 और 6-7 में भी हम देख रहे हैं, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की चर्चा सुनी जाएगी और क्या होगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर जगह पे अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो ये सारे संकट, महासंकट होने के बाद ये सारे जो लड़ाइयाँ है, युद्ध है और धरती कंप है, अकाल है, वो सब होने के बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो हमने अभी कई बार हमने आकाश में ऐसे न्यूज़ देखे हैं कि जो
चंद्र है वो थोड़ा सा लाल हो गया, रेडिश टाइप हो गया, ऐसा कई 2-3 बार हमने न्यूज में देखा है। और ये तो शुरुआत है, अभी तो जब ये महासंकट होने के बाद पूरे पूरा सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चला जाएगा। तो ऑलरेडी इनकी साइन की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे युद्ध और युद्ध की बातें, अफवाहें भी हमारे कान में आ रही है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे कई सारे और भी युद्ध की लड़ाइयां हमारे सुनने में आएंगी, न्यूज़ में आएंगी, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में इससे ज्यादा कठिन बातें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम शास्त्र को पूर्ण होते हुए और प्रभु यीशु को आने को देख पाएंगे। और ये जो सूर्य का अंधियारा हो जाना, वो एक बहुत ही यूनिक साइन हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनरली होता नहीं, कभी भी सूर्य का अंधियारा होता नहीं, वो तो है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा गया, तब भी पूरी दुनिया के ऊपर लगभग 3 घंटे जैसा दोपहर में अंधियारा रहा, सूर्य का अंधियारा छाया हुआ था। तो ये जो साइन है वो बहुत यूनिक है, प्रभु यीशु मसीह के मरने के टाइम, क्रूस के ऊपर क्रूसित होने के टाइम भी पूरा सूर्य अंधियारा हो गया था, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के समय में वो वापस आने वाले हैं, उस टाइम पे भी पूरी दुनिया के ऊपर अंधियारा छा जाएगा और सूर्य काला हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश भी चला जाएगा। और आगे क्या लिखा है, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, पृथ्वी के ऊपर गिरेंगे, यहाँ वहां हर जगह पे तारे की बड़ी बड़ी टकराव होगी और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तो अभी तो कभी कभी हमने देखा है कई सारी जगहों में, यूएसए में कई ऐसी जगह है जहां पर धूमकेतु, उल्का, वो सब गिरे हैं और बड़े बड़े गड्ढे वहां पर हो गए हैं, एक पूरे पूरे गांव उसमें आ जाए, इतने बड़े बड़े, और वो तो बहुत ही छोटे हैं ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट लोग। अभी भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर पूरा एक तारा गिरता है तो पृथ्वी की क्या दशा होगी, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस टाइम पे सोचो कैसी हालात होंगी, पूरी दुनिया के ऊपर वो आकाश से तारे गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। उसके बाद फिर ये जो सूर्य का अंधियारा होना और चंद्रमा लाल, उसका प्रकाश चला जाना और आकाश से तारे गिरना, उसकी ये होने के बाद जो तीसवा वचन में लिखा है वो होगा, तब तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। तो पहले तो वो सारी चीजें होंगी, कंप्लीट होगी, ये धरती कंप होंगे और युद्ध होगा, वो सब अकाल होगा, वो सब होगा। उसके बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिरेंगे, वो सब होगा। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे और उसका चिन्ह लिखा है, मतलब वो ही के प्रभु यीशु मसीह दिखाई देंगे और तब पृथ्वी के सब कुलों, सब मीन्स सब, इंग्लिश में ऑल लिखा है मीन्स ऑल, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे।
क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देखकर हर कोई कुल के लोग वहां पे रुदन करेंगे। इंग्लिश में लिखा है मौन। वो मसीही लोग नहीं है, मसीही लोगों के लिए तो ये बड़े आनंद की बात, खुशी की बात होगी। लेकिन जिन लोग जो मसीह लोग नहीं है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है, उनको तब पता चलेगा कि यीशु ही सच्चा प्रभु है और वो अभी दुनिया में वापस उनकी कलीसिया को लेने आया है, उनके लोगों को लेने आया है। तब वो देख के और वो नापसंद किए गए हैं उस स्वर्ग के राज्य के लिए, वे ये सब देखकर वे रुदन करेंगे और जरूर प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है कि वो चोर के समान आएंगे। चोर कैसे आता है? रात को आता है, जब हम सोते हैं किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। उनका आने का वक्त समय अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को पता ही ना चले और प्रभु यीशु मसीह आके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया के ऊपर दुनिया के लोग वो देखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। लोग, सारे लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? सब लोग प्रभु यीशु को बड़ी सामर्थ में देखेंगे, महिमा में देखेंगे, बड़े एक सामर्थ में, महिमा में, ज्योतिमय, एक तेजोमय रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। तो प्रभु यीशु अभी हम जैसे कई लोग अपने मन में सोच लेते हैं कि प्रभु यीशु जैसे वो क्रूस पे टंगे हुए थे, बहुत ही निर्बलता में थे, ऐसे ही आज है। नहीं, प्रभु यीशु अभी बहुत ही तेजोमयी महिमा में विराजमान है, अपने हमारे स्वर्गीय पिता की दयनी और वो प्रकाशित प्रकाश में बैठे हुए है। और अगर हमें एक सच्चा विवरण देखना है तो प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अभी कैसे हैं। राइट नाउ, अभी वो अभी बहुत ही तेजोमय रूप में है, उनकी आंख ज्वाला के समान है, उनके मुंह से तीर निकलते हैं और ऐसे बहुत ही महिमा में, ऐसे सूर्वी योद्धा के समान वो एक बहुत ही मजबूत, बलवान और बहुत ही महिमामय वो प्रभु यीशु वहां पर विवरण किया गया है। वो ही प्रभु यीशु अभी है और ऐसे ही बड़ी महिमा के साथ वो प्रकट होंगे और सारी पृथ्वी के लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऐसे महिमा में बड़ी सामर्थ्य के साथ और ऐश्वर्य के साथ उनको बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु यीशु पृथ्वी पर आने वाले नहीं है, प्रभु यीशु बादलों तक आएंगे और उसके बाद वह अपने दूतों को भेजेंगे। 31वां वचन में हम देखते हैं वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो प्रभु यीशु खुद अपने दूतों के साथ आएंगे, बादलों पर आएंगे, फिर वहां से वे अपने दूतों को भेजेंगे और सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में, जिन जिन जगहों पर उनके प्रभु यीशु के चुने हुए लोग हैं, जिसने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पण किया है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, उन लोगों को वे दूत, प्रभु यीशु के दूत सब लोगों को इकट्ठा करेंगे और ऐसे एक बड़ी
महिमामयी बातों को हम देखेंगे। और जहां तक हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जिन जिन चीन की बातें यहाँ पर विवरण में लिखा गया है मत्ती 24वें अध्याय में, वो सब बातें अभी चल रही है, आने वाले दिनों में बढ़ रही है। कोरोना वैक्सीन, कोरोना और जो भी युद्ध की बातें हैं, सारी चीजें हो रही है, छोटे पैमाने पे नहीं, छोटे कोई एक शहर में हो गया, पूरा शहर को बीमारी हो गई, ऐसा नहीं, पूरा पूरा देश भी नहीं, पूरी दुनिया में फैला कोरोना, और भी चीजें आगे बढ़ रही है। तो हम जरूर एक अंतिम दिनों में हैं, इन दिनों में हमें हमारा मन स्वर्ग की बातों की ओर लगाना है। और जी क्यों हम ये बातें क्यों बार बार मनन कर रहे हैं, क्यों हम इन्हीं बातों के बारे में बातें कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और प्रभु यीशु ने भी क्यों इतनी महत्व की बातें अपने अंतिम दिनों में चेले लोगों को सिखाई, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंस है उनका, क्योंकि अगर हम इन बातों को भूल जाएंगे तो हम और भी आत्मिक जीवन के आत्मिकता में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन चीजों को हमारे हमेशा ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आत्मिक दौड़ अच्छे तरीके से दौड़ पाएंगे और खुद को तैयार कर पाएंगे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मुझे तैयार रहना है, मुझे मेरी मसालों को जला के रखना है, मुझे और भी एक्स्ट्रा ऑयल साथ में रखना है। ऐसे हम खुद को और भी ज्यादा समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर पाएंगे। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन समर्पण किया इसलिए डरना नहीं है, लेकिन हमें तैयारी और भी करते ही रहना है, और भी ज्यादा उसके ऊपर मन लगाए रखना है, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और क्योंकि हमारा प्रेमी, हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है, तो हमें आनंदित रहना है, आनंद के साथ उसकी ओर मगन होना है, स्वर्ग की बातों को ध्यान देना है, और इन साथ में इन चीजों के ऊपर हमें मनन करते रहना है, क्या क्या चीजें दुनिया में हो रही है, घटनाएं हो रही है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, और हमें आपने पहले से बता के रखा है ये सारी चीजें होने वाली है, ताकि हम दुनिया की बातों में खो ना जाए, ताकि हम और भी आपके ऊपर मन लगाए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में और भी हम सचेत रूप से, और भी हम जागते हुए, और भी ज्यादा आपके लिए समर्पण करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए हम आपके आपके पास आते हैं, हमें अपना जीवन आपको समर्पण करते हैं प्रभु जी। जैसे जैसे आपका आने का दिन नजदीक आते जा रहा है, ऐसे ऐसे और भी ज्यादा आपके प्यार को हम ग्रहण करते हुए, प्यार को स्वीकार करते हुए, और भी ज्यादा मसीह को हमारे जीवन में प्रकट करते हुए हम अपना आपको समर्पण करें, और भी ज्यादा हम आत्मिक रूप से दान वरदानों में बढ़ते जाए, आपके विश्वास में बढ़ते चले जाए, प्यार में, एकता में बढ़ते चले जाए, आत्मा में, आत्मिक दान वरदानों में बढ़ते चले जाए, वचनों में बढ़ते चले जाए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, हर एक चीज में और भी ज्यादा आपके लिए प्रभु जी समर्पण करें। इसके लिए हम सभी को अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता, आमेन।